हेलो गाइज, आज मैं आपके साथ में काफी अच्छे अच्छे हैक जो है शेयर करने थे, काफी अच्छे अच्छे काफी आसान और बहुत ही काम के टिप्स जो है आपके साथ में आज मुझे शेयर करने थे। लेकिन आज मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ये जो है ना, ये हैक भी है और इसकी मुझे जरूरत भी थी, तो मैं इसको जो है शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, क्योंकि मुझे लहसुन छीलना ही था, मुझे पेस्ट इसका बनाना ही था, क्योंकि पेस्ट मैं बना के रख लेती हूँ तो पेस्ट मेरा ख़त्म हो चुका है, तो ये मुझे बनाना ही था। तो इस वजह से मैंने कहा चलिए छोटी सी एक वीडियो ही बना लेते हैं, और मुझे पेस्ट तो बनाना ही है तो आपके साथ में शेयर भी कर दूंगी। तो ये है लहसुन। लहसुन को बहुत ही आसानी से आप वॉशिंग मशीन से छील सकते हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा इस बात का। लेकिन हाँ, मैं सच बता रही हूँ, चलिए मैं आपको भी प्रूफ दिखाती हूँ, छील के दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से आप इसको मिनटों में, जो घंटों का काम होता है, जो आप हाथ से अगर छीलेंगे लहसुन को तो बहुत ही मतलब टाइम लग जाता है ज़्यादा, तो घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं वॉशिंग मशीन से। चलिए वो कैसे करेंगे, चलिए मैं दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले ये लहसुन की कलियाँ हैं, जितना मुझे छीलना है उतनी मैं तोड़ ले रही हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा भी नहीं छीलना है, क्योंकि मुझे केवल 2-4 दिन के लिए बना के पेस्ट रखना है। बहुत ज़्यादा दिन के लिए मैं नहीं रखती हूँ, तो मैं 2-4 दिन के लिए पेस्ट बना के रखती हूँ। नाश्ते में भी ज़रूरत पड़ती है, खाना में भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं 2-4 दिन के लिए पेस्ट बना रही हूँ। तो बस मुझे इतनी कलियाँ लेना है, केवल, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो मैंने ये एक कटोरी में पानी ले लिया है, किसी भी बर्तन में आप पानी ले लीजिए, और ये जो तोड़ी हुई कलियाँ हैं सभी को इनमें डाल दीजिए, पानी में इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं डालना है। तो ये सभी कलियों को हमने इसमें भिगो दिया है पानी में, और इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये है लहसुन हमारा, जिसको हमने भिगो दिया था फूलने के लिए, तो ये फूल चुका है और इसको 10 मिनट समथिंग हो चुके हैं फूलते हुए, भिगोए हुए। तो अब मैं इसको ना एक कॉटन के बैग में डालूंगी। ये जो कॉटन के बैग होते हैं ना, जो मिलते हैं हमें कपड़े वगैरह में, जब हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं उसमें मिलते हैं, तो ये है, और ये सभी के घर में होते हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है ना, तो ये सभी के घर में होते हैं। तो इसी तरीके का एक बैग ले लें, छोटा बड़ा कैसा भी हो। तो मुझे इस टाइम पे ये मिल गया तो मैंने ये ले लिया, वैसे मुझे ना इस इतने लहसुन के लिए बस छोटा सा होता, उसी से काम चल जाता। तो मैंने इसमें इसको डाल दिया है और इसको ऐसे कर दूंगी, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा नहीं है कि जितना हमारा लहसुन है बस उतना ही हमें जैसे एकदम से टाइट करके गांठ लगाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम चलते हैं वॉशिंग मशीन की तरफ। तो ये है हमारी वॉशिंग मशीन, तो इसके हमें ड्रायर में ये रख देना है, जिसमें कि हम कपड़े सुखाते हैं, और इसकी जो जाली होती है वो रख देना है। बस 2 मिनट के लिए इसका जो हमें टाइम सेट कर देना है, और ऑन कर देती हूँ। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं निकाल के कैसा हुआ हमारा लहसुन, क्योंकि ये देखिए, हाँ सभी छिल गया है। तो देखिए, छिलके अलग हो चुके हैं और लहसुन हमारा अलग हो चुका है। ये देखिए, छिलके अलग हो चुके हैं और अब हमें केवल इसमें से निकालना रह गया है, अलग अलग करना रह गया है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, जब घंटों का काम हमारा मिनटों में हो गया है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो चलिए इसको मैं पलट लेती हूँ किसी बर्तन में, उसके बाद छिलके इसके अलग करते हैं। इस तरह से आप
कितना भी लहसुन जो है छील सकती हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में। तो ये देखिए छिलके हमारे सारे अलग हो चुके हैं, ये देखो। अब केवल हमें इसमें से ये कलियां जो है बीनना है। तो बस चाहे आप इस तरीके से बीन के निकाल लीजिए या फिर इस तरीके से ऐसे फटक लीजिए, तो ये छिलके अलग हो जाएंगे और ये कलियां अलग हो जाएंगी। मैं इनको कलियों को बीन लेती हूँ इसमें से। तो देखिए जिस काम को करने में हमें घंटों लगते हैं उस काम को हमने मिनटों में कर लिया। ये देखिए अच्छी तरह से हमारा लहसुन जो है छिल चुका है और अलग अलग भी हमने कर लिया। ये देखिए छिलके अलग हो चुके हैं, लहसुन हमारा अलग हो चुके हैं, हो चुका है। तो मैं अब इसका मैं पेस्ट बना के रखूंगी। और ये थी आज की हमारी वीडियो, और मैं केवल 2-4 दिन के लिए ही बना के रखती हूँ, ज्यादा इकट्ठा बना के नहीं रखती हूँ। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में और हैक के साथ। आज भी मैं 2-4 हैक आपके साथ शेयर करने वाली थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण मैं केवल एक ही यही केवल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जरूरी था क्योंकि मुझे पेस्ट बनाना था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।